हाँ जाना कभी नहीं आना कभी उसी उसी साइकिल आवेगी। कार्तिक राणा, कार्तिक राणा क्या करा योगी ने महंगाई के सिवा। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज चौहान गांव गुहान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी देवबंद विधानसभा में है और ये पठानपुरा एक मोहल्ला है। सबसे पहले रेती चौक है, पठानपुरा रेती चौक, पठानपुरा रेती चौक जी। ताऊजी क्या नाम है? फखरुद्दीन। कैसा है अब की बार देवबंद का माहौल? फर्स्ट क्लास है। किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट किया जाएगा? भाजी हम तो यही बेरोजगारी वगैरह इसी के उस पर देंगे, हम तो और किसी मुद्दे पे वोट नहीं देंगे। रोजगार तो काफी दिया है अब तक की जो सरकार रही है। क्या दिया है? टीचर की भर्ती निकाल ली, पुलिस की भर्ती निकाल ली, दो दो बार पुलिस की भर्ती दे दी, UPSI की भर्ती दे दी। एक मजदूर आदमी को तो मजदूरी नहीं है ना। अब ये मजदूर आदमी को क्या मिला? पढ़े लिखे लोगों के लिए बताओ, मजदूर आदमी को क्या मिला? कौन सा काम मिला? फ्री में जो अनाज दिया जा रहा है, कोटा अनाज खाएंगे का सिलेंडर को 1000 रुपए देखने बना दिया जा रहा है। कहाँ दे रहा? क्या नाम बताओ जी? हमारा नाम हफीज जही रतन जी अंसारी। 400 रुपए का सिलेंडर लेके दे गए, 950 रुपए सिलेंडर दे रहा। 160 रुपए किलो वाला तेल 200 रुपए किलो बिक रहा। हमारा क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है देवबंद में क्या होगा? लूट खसोट बदमाशी और कुछ नहीं। लूट खसोट बदमाशी कुछ नहीं है। योगी जी से कुछ नहीं है क्या? योगी कोई नहीं, कोई नहीं कुछ है यहाँ जी। योगी जी ना मोदी से ना दोनों से ही बंदर कुछ नहीं है। वो बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी ने पूरा ढंग का बाजार का है। सिवाय डकैती और चोर बाजारी का कुछ नहीं है। चोर बाजार कितने लौंडे यूपी के अंदर बेरोजगार फिर रहे, कितनी फैक्ट्री है यूपी के अंदर? यूपी के अंदर कितनी फैक्ट्री है? कहा का ढंग का बाजार रखा मोदी ने, पूरे देश को लूट के खा गया मोदी। 200 रुपए किलो तेल कर दिया है, मछली की दाल पे पैसे बढ़ गए, चने की दाल पे पैसे बढ़ गए हैं। कितने रुपए कितने क्या क्या मोदी ने ढंग का बाजार रखा? एक मिनट दुकान साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो मेरा काम ये है नहीं कि माइक पे बोलना। 5 साल के अंदर जो चीज 50 रुपए की बिकती थी वो चीज आज 100 रुपए की बिक रही है। लोग बात कहते हैं कि हमारी कमाई कम हो गई, मंदा हो रहा, मंदा हो रहा, वो मंदा नहीं हो रहा। जो चीज 50 रुपए की आती थी वो अब 100 रुपए की आ रही है, ठीक है? समय के अनुसार महंगाई बढ़ती रहती है। हाँ, डबल खर्चा हो रहा है, कमाई तो उतनी हो रही है लेकिन खर्चा बढ़ गया है, तो लोग बात खर्चा कहाँ से उठाएंगे? चलिए चलिए जी। ताऊ जी क्या नाम है? क्या बात है, बात बताओ। चुनाव वोट वोट के बारे में जान रहे हैं? वोट साइकिल को देंगे, बात खत्म। साइकिल को क्यों दे रहे हैं? योगी से दिक्कत है क्या कुछ? साइकिल को देंगे भाई, साइकिल को एक तरफा साइकिल है क्या देवबंद में आपकी बार? सब साइकिल 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 कुछ तो जा रहे हैं। ओबीसी भी आ सके? हाँ हाँ जाना, कभी नहीं आना कभी उसी साइकिल आवेगी। कार्तिक राणा, कार्तिक राणा क्या करा योगी ने महंगाई के सिवा? कुछ करा? अच्छा आपका काम है योगी मोदी जी कहते हैं, ये भी लूट रखा हमने, ये भी एक कनस्तर पे क्या कहें, डबल कनस्तर कर दिया तेल का, कहाँ से लाएं? गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? योगी को यूं दे रहा है इस्तीफा। जी जी बस। और भी जी भाई साहब क्या नाम है? शादाब बेग। क्या लग रहा है आपकी बार क्या रहेगा देवबंद में? बस देवबंद में तो जो चल रहा है फिलहाल, साइकिल की समाजवादी पार्टी की सरकार फुल बहुमत से बनने जा रही है इंशाल्लाह, पक्का रहेगा। क्या कारण है साइकिल को लाने का? साइकिल को लाने का हमारा कारण ये है कि जैसे भाजपा सरकार की जो नीतियाँ थी, जैसे हमें बेरोजगार और महंगाई, इसके लिए एक शेर अर्ज करता हूँ, आज की हुकूमत आवाम पर इस कदर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। मतलब पहले रोजगार बेरोजगार कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, फिर उन पर वो दिखा रहा है, पहले अंधा कर दिया फिर चश्मे दान कर रहा है। मतलब बहुत बेकार सरकार रही है भाजपा की, तो हम अब के समाजवादी को फुल बहुमत से सरकार बनने जा रही है। कार्तिक राणा का देवबंद में बेहतरीन साइकिल चल रही है, कार्तिक राणा यहाँ से विजय होके जाएंगे। अच्छा, 3 कैंडिडेट जो है मौजूद हैं मैदान में है, कार्तिक राणा भाजपा वाले और बसपा वाले, क्या लग रहा है आपको तीनों में से कौन निकल के ले जाएगा सीट? कार्तिक राणा की सीट निकल रही है और सब बेकार है। गठबंधन की लहर है जी जी। किसी का नाम आपका? अब्दुल वहाब। क्या लग रहा है की बार? अब की बार साइकिल ही साइकिल है। ताऊ जी बोल नहीं रहे, क्या कारण है? ताऊ जी बोल नहीं रहे, वो इनकी मर्जी है, बोलने आना बोले, हम इसमें क्या कह सकते हैं। साइकिल ही चलेगी। किन मुद्दों का लेकर अगली बार वोट किया जाएगा देवबंद में? कुछ विकास है ही नहीं, ना कुछ हॉस्पिटल में करा, ना सड़कों पे करा, ना किसी गवांड में करा, कुछ है ही नहीं। जी भाई जी आप क्या कहोगे, किन मुद्दों को लेकर वोट किया जा रही? जो उनका बयान है वही हमारा है। कुछ नहीं है क्या बीजेपी से? जी है,
और अब फिर हटाने के क्या कारण है? हाँ बेटे, हम भी ये कहना चाहते हैं कि कार्तिक राणा जीते और जिताए। किसे? कार्तिक। क्या नाम है ताऊ जी? हाँ जी। क्या नाम है? मोहम्मद यासीन। किसको वोट करोगे? कार्तिक को। क्या कारण है साइकिल को वोट करने का? बस के वाले साहब ने बढ़िया काम करवा रखा, राणा जी ने, अच्छा कैंडिडेट है। भाजपा से क्या दिक्कत है? भाजपा से क्या दिक्कत है? योगी जी से इतने अच्छे काम कर रहे हैं वो। भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, एक 100 रुपए की चीज 210 रुपए में बिक रही है। खुश नहीं है योगी जी से? खुश नहीं है योगी जी से? योगी जी से कैसे खुश होंगे? स्कूल उन्होंने बंद करवा रखे जी, लॉकडाउन लगा के रखते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, क्या वो करा जा भाई, चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते उनका। जी भाई साहब, क्या नाम है? मोहम्मद आफ्ताब। क्या लग रहा, किन मुद्दों को लेकर अब की बार देवबंद में वोट किया जाएगा? बेरोजगारी को लेकर जाएगा इंशाल्लाह। बेरोजगारी है? बहुत बेरोजगारी है जी, बहुत बेरोजगारी है बिल्कुल। सारी भर्तियां निकाल दी योगी जी ने? कब से? टीचरों की निकाल दी, यूपी पुलिस की निकाल दी, यूपी एसआई की निकाल दी। अरे कब से कर ली भाई, अभी तो गए 2 साल तो हुए। क्या हमें देंगे नौकरी? है तो है जी भाई, चीज तो ठेके पे दे दी, क्या हमें नौकरी देंगे? मैं हवाई जहाज उन्होंने दे दिया, रेल उन्होंने दे दी, हर चीज तो ठेके पे, बिजली उन्होंने ठेके पे दे दी। हाँ भाई, क्या क्या चीज वो करें हमके यकीन, हर चीज। जी 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 साहू जी, क्या नाम है? क्या नाम? मोहम्मद अरशद। अच्छा, आपसे तो कर ली बात। जी भाई साहब, क्या नाम है? जी मेरा नाम उमर खान है। क्या लग रहा अब की बार किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट किया जाएगा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं भाई साहब, एक मुद्दा हो तो बता जा। जैसे बताओ, 2-4 मुद्दे बताओ। इस सरकार ने इतना परेशान कर दिया, अब की बार पूरा उत्तर प्रदेश इन्हें हटाने के लिए तैयार है। इसकी बार जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और इस उत्तर प्रदेश के जो इस सरकार ने इतनी महंगाई कर दी, इतनी परेशान कर दिया लोगों को। तेल को देखो आप, वो 100 से पार है। डीजल देखो, वो 100 से पार है। और आज सिलेंडर देखो, वो 500 रुपये से 1000 रुपये कर दिया। तो इन मुद्दों को लेके अब की बार लोग बाग गठबंधन की सरकार लाएगी और फुल बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार बनेगी। जी साहब जी, क्या नाम है? जानवी अंसारी। क्या लग रहा है आपकी बार क्या रहेगा देवबंद में? देवबंद में तो कार्तिक जीत रहा। जीत रहा? मैं पीछे से आया, वो कह रहे हो ओवैसी जीत रहा। योगी के तो कोई मामले नहीं आया सी। ओवैसी? ओवैसी साहब। ओवैसी? हाँ ओवैसी तो वहाँ पोर के चला गया, 10 आदमी थे। 10 आदमी थे योगी जी की उसमें, ओवैसी की भीड़ में। हाँ में खाली भीड़ थी, वोट भी होगी उनके, वोट दिया यहाँ देवबंद में उनके, वोट दिए जो लोग वहाँ थे उनके, वोट देंगे देवबंद के अंदर। उनके कलकत्ते वोट है। वैसी बोल रही क्या बात है, एक भी आदमी था। क्या कारण है उनको वोट करने का, साइकिल वोट करने का क्या कारण है? उसका कारण यह है कि रोजगार नहीं है। जब हमारे प्रधानमंत्री ने सब ट्रेनें बेच दी, सारे हवाई जहाज बेच दिए, तो नौकरी देंगे कहाँ से? में बेरोजगारी है, जब से लॉकडाउन लगा था सबसे बेरोजगार है लोग बाग। खाली राशन से थोड़े काम चल रहा कि राशन बांट रहे हैं 5 किलो में क्या होगा? उसमें और सामान नहीं चाहिए, इसमें बाइक में तेल नहीं चाहिए। क्यों जी? आप नौकरी कर रहे हो, आपके पैसे चाहिएगा खाली नाज से काम हो जाएगा। 50 नाराज है, काफी नाराज है योगी जी से। हम तो सागर के साथ हैं जी, पहले थे हम योगी के साथ, योगी ने काम अच्छा नहीं करा, अब बदलाव चाहते हैं हम लोग। बदलाव चाहते हैं।